रेवाड़ी जिले के गांव मांडैया के प्राइमरी स्कूल के सामने आज शुक्रवार को 50 से ज्यादा छात्राएं धरने पर बैठ गई। छात्राएं पिछले 6 दिनों से पढ़ाई के लिए पड़ोसी गांव शिवराज माजरा में नहीं जा रही। उनकी मांग है कि माजरा शिवराज की प्राचार्य को गिरफ्तार किया जाए और उनके गांव के स्कूल को अपग्रेड किया जाए। धरने की सूचना के बाद SDM होशियार सिंह और DSP पवन कुमार मौके पर पहुंचे और उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। दरअसल गांव शिवराज माजरा स्थित राजकीय कन्या विद्यालय में 11 अगस्त को 12वीं की छात्रा ने स्कूल रूम के अंदर ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें उसने अध्यापक सुनील कुमार को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने स्कूल की प्राचार्य और स्टाफ भी कई आरोप लगे थे। पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि खुदकुशी करने वाली छात्रा गांव मांडैया की रहने वाली थी। मांडैया से काफी छात्राएं गांव माजरा शिवराज में पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन छात्रा सुसाइड करने के बाद पिछले 6 दिनों से 50 से ज्यादा छात्राएं स्कूल नहीं जा रही। उनकी मांग है कि प्राचार्य को भी गिरफ्तार किया जाए। पहुंचे आपके DSP पहुंचे, बोले कि आप खड़े कर दिए, क्या कहोगे? अब जाओगे स्कूल, नहीं जाओगे? अभी नहीं जाएंगे, जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक स्कूल ही नहीं जाएंगे। क्या कहा अभी इन्होंने? कह रहे कार्रवाई चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट करो। प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? 8 दिन हो गए जबकि प्रिंसिपल मैम की पूरी पूरी गलती है। प्रिंसिपल मैडम भी मिली हुई है जी, अगर वो चाहती तो आज मेरी बहन बच सकती थी। पूरे 4 घंटे तड़पी है वो। मिसगाइड किया उस समय जी। अब क्या जाओगे नहीं जाओगे स्कूल अभी? सर नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो जो सर है ना उसको फांसी की सजा दी जाए, जैसा हमारी बहन के साथ हुआ है वैसा ही उस सर के साथ हुआ।